भीतीहरवा आश्रम के प्रांगण में शिक्षकों ने मनाए संकल्प दिवस कार्यक्रम। शिक्षक संघ बिहार के तत्वाधान में पश्चिमी चंपारण के गोहाना प्रखंड के गांधी आश्रम में शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी की उपस्थिति में संकल्प दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम का शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष केतन कुमार को अंग वस्त्र व माला अर्पण कर शुरू किया गया, जिसका संचालन प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव व बेतिया जिला अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के महासचिव लाल बाबू कुमार यादव, राम पुकार सिन्हा, प्रदेश कोषाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, प्रदेश के सचिव फरुखुद्दीन एवं प्रदेश के राज्य प्रतिनिधि आशुतोष चौधरी को राज्य सचिव के रूप में चयन करते हुए सभी को अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार को अपने संबोधन में 24 दिसंबर 2005 के ऐतिहासिक आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि यही वह दिन है जब हम लोगों ने आंदोलन पटना की धरती पर किया और इसका परिणाम कि 11 माह व 1500 रुपए मासिक वेतन को सरकार ने 7 साल में सम्मानजनक वेतन दे रही है। गोहाना से लाल बिहारी चौधरी की रिपोर्ट। सम्मानित स्थल और एक ऐतिहासिक स्थल है जहां से पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। आज इसे शिक्षक संघ बिहार के द्वारा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बिहार में हमारा शिक्षकों का योगदान कैसा हो, मैं 2003 से लेकर आज तक जब 1500 के मानदेय पर हमारे शिक्षकों की बहाली हुई थी, आज हमारे शिक्षक भाइयों ने अपने संघर्ष, अपने त्याग और तपस्या के बल पर आज 15% बढ़ोतरी के साथ लगभग 40,000 रुपए का मानदेय वेतन मान मिलने जा रहा है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करने जा रहा हूं कि आज भी हमारे केशव जी मित्र हैं, साथी हैं, शिक्षक संघ का आह्वान हुआ कि राम पुकार जी आपको शिक्षक की नौकरी से त्याग पत्र देना है और शिक्षकों के हित के लिए आपको सड़क पर संघर्ष करना है, तो मैंने सर स्वीकार किया। प्रोसीडिंग पास हुआ, मैंने उसको सर स्वीकार किया और राजनीति में मैंने कदम रखा। लेकिन आज भी मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों की आत्मा राम पुकार सिन्हा की आत्मा में बसती है। पूरे बिहार में मैं 2 वर्षों से जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे शिक्षक भाइयों ने